नमस्कार। आतंकी संगठन हमास ने अपने साथियों की रिहाई की नई चाल चली है। सूत्रों से खबर है कि बंधकों के बदले इसराइल की कैद में अपने साथियों की रिहाई चाहता है। बता दें कि यह हमास की पुरानी रणनीति रही है। गाजा पट्टी से इसराइल पर रॉकेट से हमला हुआ है, एक साथ 5,000 रॉकेट दागे गए हैं। वहीं इस हमले के पीछे कोई और नहीं बल्कि फिलिस्तीन का चरमपंथी संगठन हमास है। हमास ने इस हमले को एक महान क्रांति का दिन बताया है। इतना ही नहीं, हमास ने इस अटैक को ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड नाम दिया है। इस बीच इसराइल ने हमास को चेतावनी भी दी है। फिलिस्तीनी आतंकवादी संगठन हमास ने शनिवार को इसराइल पर मिसाइलों की बौछार कर दी, जिसके बाद तेल अवीव ने जवाबी कार्यवाही शुरू कर दी है। इसराइली के पीएम ने इस हमले पर बड़ा बयान देते हुए कहा है कि गाजा की ओर जाने वाली सभी मदद रोकी जाए।